लाहौर में एक लड़की, बदनाम ज़माना है वो, मैंने ऐसे उससे सलाम दुआ कर 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 माशाल्लाह 5 वक्त नमाजी बन गए। तो वो एक जगह शूटिंग हो रही थी, तो मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा मैं लाहौर में हूँ, मिल सकती हो आके? उसने कहा मैं तो शूटिंग कर रही हूँ, 10 बजे फारिग होऊंगी। मैंने कहा अच्छा बेटी, जब फारिग हो जाओ ना फिर आ जाना, मैं तेरा इंतज़ार करूँ, चाहे लेट भी हो तो आ जाना। यह है कोई 8 बजे के बाद, 9 बजे पूरी शूटिंग टीम, बाकी अदाकार, डायरेक्टर, कैमरामैन सारे वहाँ पहुँच गए। मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने कहा है तुम तो कह रही थी मैं 10 बजे फारिग हो गई। वो कहने लगी मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे फ़ोन पे कहा है कि जब फारिग हो तो आके मुझे मिल जाना। वो डायरेक्टर भी सामने बैठा था, तो ये कहने लगे कि मौलाना तारिक जमील साहब तेरे जैसी लड़की को फ़ोन करेंगे, ये कैसे है? उन्होंने कहा आप ये कहते हो तो मुझे बेटी कहते हैं। तो उसने कहा शूटिंग ऑफ करो, और पूरा सारा शूटिंग का जितना भी अमला है चलो चल के मौलाना की मुलाकात करो, मैं उस आदमी को देखना चाहता हूँ जो एक तवायफ को बेटी कहता है। वो सारे मुझे मिलने आ गए, सारे सिर्फ मेंबर पे बैठ के तकरीर करने का तुम्हें शौक होता है कि हम भी अल्लामा कहलाएं, हमारे भी कोई जूते उठाए, कोई बैग उठाए, कोई आगे चले, कोई पीछे चले, कोई चाय पेश करे, कोई रोटी पेश करे। मेरी तमन्ना है कि अल्लाह आपके अंदर तबलीग जिंदा कर दे, फिर चाहे मेंबर पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, दर्शन